अब लोग हम लोग करेंगे पेज नंबर 206 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं। देखो ये वो चीजें होती हैं, मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मैक्रो की, मैक्रो हमको चाहिए होते हैं ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में, और जब हम लोग बात करते हैं माइक्रो की तो ये हमको चाहिए होते हैं लेस अमाउंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द फंडामेंटल एलिमेंट दैट आर यूज्ड बाय द प्लांट इन मोर क्वांटिटी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द प्लांट जो हैं वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। नाउ ये ज्यादा क्वांटिटी में क्यों चाहिए, क्योंकि जो मेन चीजें हैं, जो मेन प्रोसेसेस हैं वो इनकी वजह से चल रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कैल्शियम है वो सेल वॉल में है, तो आपको पता ही है कोई भी चीज हो उसके अंदर सेल वॉल तो मतलब चाहिए ही, हर सेल का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फरस, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब प्रोटीन में प्रेजेंट है। इनफैक्ट नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है क्योंकि सारे फंक्शन इस पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। सो देयर आर 16 बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू ग्रो। प्लांट को चाहिए 16 बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन उसको मिल जाता है पानी से, एंड मतलब जो भी चीजें हम देते हैं ना एयर वगैरह के थ्रू मिल जाता है, लेकिन CO2 वगैरह के थ्रू मिल जाता है, लेकिन रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसको मिलते हैं सॉइल्स। यानी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट न्यूट्रिएंट्स किसी भी प्लांट को मिलते हैं किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू, ठीक है। नाउ पेज नंबर 207 के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे हम लोग। कंपेयर द यूज ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। यानी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है यूज मेन्योर का एंड फर्टिलाइजर का सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में जिसकी जरूरत होती है। देखो जब हम लोग मेन्योर की बात करते हैं ना, मेन्योर बना हुआ है नेचुरल चीजों से, उसमें कोई केमिकल, कोई हार्श ऐसी चीज यूज नहीं की गई है, तो वो सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। मेन्योर इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी विद एडेड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मेन्योर एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं ह्यूमस सॉइल में, ताकि क्या हो, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी हो, यानी सॉइल जो है पानी को अच्छे से होल्ड करके रखे, एंड फाइनली क्या हो, जैसे सैंडी सॉइल वगैरह है इनमें कुछ ग्रो करना है तो पानी को एकदम नीचे भेज देती है वो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वाटर थोड़ा सा रिटेंशन हो इसके अंदर, एंड ड्रेनेज जो हो क्ले सॉइल में वो भी मतलब एकदम से देखने को ना मिले कि रुक रहा है पानी। तो इसके लिए क्या होता है ना कि उसको जो मेन्योर है ना इस चीज को इम्प्रूव करता है, ठीक है। मेन्योर की वजह से सॉइल इरोजन कम हो जाता है। सॉइल इरोजन आपको पता ही है, टॉप लेयर जब उड़ जाती है तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर फ्रॉम द सॉइल। सो वो मेन्योर उसको रिड्यूस करता है, और ये प्रोवाइड करते हैं फूड किसके लिए, सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया के लिए जो क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्पफुल इन ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजर्स का क्या अफेक्ट है, ये तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया, अब फर्टिलाइजर्स का अफेक्ट पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल टू बिकम टू ड्राई एंड पाउडर्ड एंड राइजेस रेट ऑफ सॉइल इरोजन। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल को बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं या पाउडर्ड कर देते हैं, जिससे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। फर्टिलाइजर एट द एंड है तो केमिकली, जितना ज्यादा किसी चीज में मिलेगा उतना ज्यादा उसको डैमेज करेगा। द ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द पोरोसिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि जो सॉइल की पोरोसिटी है ना वो खत्म हो जाती है उसके केस में, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम हो गया क्योंकि आपने फर्टिलाइजर इतने सारे डाल दिए, केमिकल्स डाल दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इसके बीच बीच में जगह थी सॉइल के बीच में वो खत्म हो गई। तो नाउ प्लांट रूट्स को क्या नहीं मिल रहा, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है। द नेचर ऑफ सॉइल चेंजेस आइदर टू बेसिक और एसिडिक, या तो फर्टिलाइजर से बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है। सो ये थे 207 एंड 206 के क्वेश्चन आंसर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.